भीमा कोरेगांव हिंसा मामले के आरोपी गौतम नवखला को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा संदेश दिया है, जिसमें कोर्ट ने साफ कहा है कि आपने खुद घर में नजरबंदी का अनुरोध किया था, ऐसे में आप नजरबंदी के दौरान महाराष्ट्र सरकार द्वारा सुरक्षा के लिए मुहैया कराए गए पुलिस कर्मियों का खर्च उठाने के दायित्व से बच नहीं सकते। बता दें कि नवखलर नवंबर 2022 से मुंबई में सार्वजनिक पुस्तकालय में नजरबंद है। न्यायमूर्ति की पीठ ने यह टिप्पणी तब की जब राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने कहा कि नवखला पर एजेंसी का लगभग 1.64 करोड़ रुपए बकाया है। इस राशि का भुगतान गौतम नवखला को करना पड़ेगा। पीठ ने नवखला की ओर से पेश वकील से कहा, अगर आपने इसके लिए घर में नजरबंदी मांगा है तो आपको सुरक्षा कवर की लागत चुकानी होगी, आप अपने दायित्व से बच नहीं सकते। जिसके जवाब पर नवलखा के वकील ने कहा कि भुगतान में समस्या नहीं है, लेकिन मुद्दा गणना है। गत 7 मार्च को नवलखा के वकील ने शीर्ष अदालत में इस सुरक्षा खर्च के आंकड़े पर विवाद खड़ा कर दिया था और एजेंसी पर जबरन वसूली का आरोप लगाया था। तो ये थी कोर्ट से आई सुनवाई। अब आपको बताते हैं कि नवलखा है कौन। दरअसल नवलखा एक पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता है जो न्यूज क्लिक में स्तंभकार थे और पहले इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में संपादकीय सलाहकार थे। पुलिस ने नवलखा स्तंभकार और 10 अन्य पर भीमा कोरेगांव हिंसा के मामले में जिम्मेदार होने और प्रतिबंध भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने 2018 और 2019 के दौरान जांच को रद्द करने के लिए महाराष्ट्र की अदालतों में असफल अपील की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने जनवरी 2020 में पुलिस से उनका मामला अपने हाथ में ले लिया। मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एजेंसी के सामने आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया, जिसे उन्होंने खुद ही बदल लिया। जिसके बाद 2022 में नवलखा को चिकित्सा आधार पर नवी मुंबई में जेल से घर में नजरबंद कर दिया गया था। जिसके बाद 2023 में शीर्ष अदालत ने कहा था कि एल्गार परिषद मुआवादी लिंक मामले में नवलखा को घर में नजरबंद रखना एक गलत मिसाल साबित होगा। 1 जनवरी 2018 का वो दिन था जब भीमा कोरेगांव युद्ध के समारोह के दिन हिंसा से चिन्हित किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। प्रारंभिक जांच के बाद मुआवादी संबंध के आरोप में पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोप लगाया था कि कार्यकर्ताओं ने 31 दिसंबर 2017 को एल्गार परिषद की बैठक को विद्ध घोषित किया, जहां भड़काऊ भाषण दिए गए, जिससे हिंसा भड़की। जिस मामले की जांच ने आज पत्रकार को सलाखों के पीछे रख दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए जनहित टाइम्स।